Hey guys, this is Saurabh and welcome back to my channel. I'm back with another video. Today I'm gonna be unboxing a brilliant laptop from Lenovo. So let's get started. So guys, मैंने इस लैपटॉप का जो ऊपर का पैकिंग होता है, जो कोटिंग होता है, वो सारी प्रोडक्शन मैंने निकाल दी. तो ये एक जो बड़ा पैकेजिंग है, ये पैकेज Lenovo से है लैपटॉप का. तो काफ़ी अच्छी पैकेजिंग दी गई है यहाँ पे Lenovo की तरफ से. आई एम वेल इम्प्रेस्ड बाय द पैकेजिंग ऑफ Lenovo. सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ, लेट्स अनबॉक्स दिस लैपटॉप. तो मैंने इस सील को पहले से ओपन कर चुका था, ओपन कर दिया था. तो अभी अनबॉक्स करते हैं. तो यहाँ पे फोम दी गई है प्रोटेक्शन के लिए. काफी अच्छी प्रोटेक्शन है यहाँ पे. यहाँ पे दिखा गया है, यहाँ पे थोड़ा सा चार्जर, एक ये चार्जर का अडेप्टर भी होगा यहाँ पर. ये चार्जर का अडेप्टर है. ये बड़ी कमाल की पैकिंग दी गई है यहाँ पे. यहाँ पे कुछ मिलते हैं सेफ्टी गाइड्स और वारंटी गाइड्स वगैरह. और यहाँ पे एक सेटअप गाइड दिया गया है Lenovo की तरफ से. तो अभी इस फोम को हटाते हैं और अनबॉक्स करते हैं लैपटॉप. तो हमारा जो लैपटॉप है भाई, वो इसके अंदर है. सो देखते हैं इसके फर्स्ट इंप्रेशंस और लुक्स कैसे दिखते हैं. ये रहा भैया अपना Lenovo लैपटॉप, L340 गेमिंग लैपटॉप. फर्स्ट इंप्रेशन में ये काफी अच्छा दिख रहा है. ये जो कोटिंग दी गई है, ये मेटेलिक दिख रही है. बट आई डोंट थिंक सो इट इज मेटेलिक, इट इज काइंड ऑफ प्लास्टिक. सो राइट साइड में एक भी पोर्ट नहीं है. सारे पोर्ट्स इसके लेफ्ट साइड में है, सारे के सारे पोर्ट्स इसके लेफ्ट साइड में. और काफी सारे पोर्ट्स दिए गए यहाँ पे. HDMI का है, दो USB का है, एयरफोन जैक है और चार्जर का पोर्ट यहाँ पर है. चलिए इसे ओपन करते हैं. तो जैसा कि आप देख सकते हैं, काफ़ी प्यारा और ब्यूटीफुल दिख रहा है. ये जो इसके कलर्स है, बैकलाइट जो है, बहुत ब्यूटीफुल दिख रही है. वैसे अभी बैकलाइट ऑन नहीं है क्योंकि लैपटॉप ऑन करना पड़ेगा उसके लिए. तो काफ़ी कम्फर्टेबल और अच्छे लुक दिख रहे हैं इसके. कम्फर्टेबल भी है काफ़ी है. इसके ऊपर ब्लू कलर की कोटिंग दी गई है, बहुत जो अच्छी दिख रही है. और यहाँ पे कोर i5 9th जनरेशन का एक टैग है. यहाँ पे GeForce GTX का NVIDIA का ग्राफिक्स है उसका टैग है. पावरफुल परफॉर्मेंस और फीचर्स है इसके. प्राइवेसी शटर वगैरह, जो कि प्राइवेसी शटर यहाँ पर है. और दोस्तों, ये तो रही इसकी फ्रंट की लुक्स. तो अभी देखते हैं इसका बैकवर्ड लुक कैसा दिखता है. यहाँ पे इसका सीरियल नंबर वगैरह दिया गया है और यहाँ पे फैंस कुछ दिए गए हैं लग रहा है. तो चलिए गाइस, ये लैपटॉप को ऑन करते हैं अभी और उसके बाद देखते हैं बूट टाइम. तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे बैकलाइट्स वगैरह ऑन हो चुकी हैं. गाइस, लैपटॉप जो है वो बूट हो चुका है. और ये है इसके फर्स्ट स्क्रीन लुक्स. डिस्प्ले इसका काफ़ी ब्राइट है और काफ़ी अच्छा भी दिख रहा है. हर एक एंगल से ये बराबर परफेक्ट विजन देता है. गाइस, ये लैपटॉप का हीट पैनल जो है वो यहाँ पर है. यहाँ से हीट निकलती है इसकी. तो गाइस, अभी देख रहे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फिलहाल के लिए जो बैकलाइट्स है वो ऑफ है. तो अभी मैं ऑन करता हूँ बैकलाइट्स को. ये लेवल 1 और ये मैक्सिमम. तो काफ़ी ब्राइट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना ब्राइट है इसके बैकलाइट. एक एक कीज़ बहुत ही इंटैक्ट और सही है, पोजिशन पर हैं और बहुत क्लियरली विजिबल है. सो गाइज, इस लैपटॉप में 4K तक का सपोर्ट है. वैसे चलता है इसमें 5K भी है, लेकिन इस वीडियो में शायद नहीं है 4K, 5K. सो गाइस, बात करते हैं इस लैपटॉप के स्पेसिफिकेशंस के बारे में. तो ये लैपटॉप आता है इंटेल कोर i5 9th जनरेशन के प्रोसेसर के साथ में. और ये प्रोसेसर जो है वो क्वाड कोर का 8 थ्रेड्स का CPU का प्रोसेसर है. और ये लैपटॉप आता है 8GB रैम और 1TB HDD के साथ में. तो गाइस, अब बात करते हैं इसके ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट के ऊपर.
तो जो इसमें ग्राफिक्स कार्ड है वो है एनवीडिया का GeForce GTX 1050 ग्राफिक्स कार्ड, जो कि 3GB का पावरफुल ग्राफिक्स कार्ड है, जो कि अच्छे अच्छे गेम्स भी रन कर सकता है स्मूथली।